हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश का चैप्टर फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है न्यायपूर्ण व्यवहार, यानी कि ऐसा बिहेव करना जिससे सबके साथ न्याय हो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हिंट पढ़ लेते हैं। हैज योर फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? तो क्या आपने, आपके फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको लगा है कि वो गलत है? व्हाट डिड यू डू देन? तो फिर आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? तो क्या आप चुप रहे या क्या आपने अपने फ्रेंड से बताया कि, फ्रेंड को बताया कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity. तो ये जो कहानी है दो फ्रेंड्स के बारे में है, who had to decide, उन दोनों को decide करना था कि क्या जरूरी है, friendship जरूरी है या न्याय जरूरी है, और a sense of what is right and रॉन्ग, वट इज रॉन्ग यानी कि क्या जरूरी है, किसी बात को सही गलत, सही या गलत कहना जरूरी है या अपनी दोस्ती निभानी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं चैप्टर में क्या है। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब होता है न्यायपूर्ण व्यवहार। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे अच्छे फ्रेंड्स थे, काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो उनका जो friendship bond था, उनका जो संबंध था, इतना गहरा था कि अगर कोई एक भी गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी family की देखभाल करता था। Both were greatly respected in the village और दोनों को गांव में बराबर इज्जत मिली थी, बराबर सम्मान मिला था। Jumman had an old आंट। अब जुम्मन के पास, जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, आंटी यानी कि चाची, ताई, मौसी, कुछ भी हो सकता है। Who had some property, जिनकी कुछ जमीन थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. तो जुम्मन की जो दादी या आंटी जो थी, उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी उनके पास था, संपत्ति जो थी, वो ट्रांसफर कर दी थी जुम्मन को, यानी कि जुम्मन के नाम कर दी थी। और उन्होंने समझा था, उन्होंने सोचा कि वो जुम्मन क्या करेगा, उनकी देखभाल करेगा और वो जुम्मन के साथ रहेंगी। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो कुछ समय तक तो अरेंजमेंट, जो भी व्यवस्था थी, वो ठीक ठाक चल रही थी। देन द सिचुएशन चेंज, फिर जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी, वो बदल गई थी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ दी ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी, वो अपने पुरानी बूढ़ी जो रिश्तेदार थी, उससे बड़े परेशान हो गए थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु हैड ग्रस्ट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। तो जुम्मन क्या करता था, बिकेम इंडिफरेंट का मतलब होता है लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज टू हर एज हिज वाइफ। तो जुम्मन जो है अपनी बीवी का भी ध्यान नहीं रखता था और बूढ़ी औरत का भी वो ख्याल नहीं रखता था। हु ग्रस्ट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। ग्रस्ट का मतलब होता है गेव अनविलिंगली, यानी कि जो उसकी वाइफ जो थी, उनको खाना देने में बड़ा अजीब सा व्यवहार करती थी। किनको खाना देने में, जो ओल्ड लेडी थी उनको खाना देने में बड़ा अजीब व्यवहार करती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. तो कुछ महीनों के लिए तो उन्होंने अपनी जो बेइज्जती थी, जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने अपनी जो बेइज्जती थी वो उस भोजन के साथ निकल दी थी, यानी कि सहन कर दी थी। But patience has its limit. लेकिन आपको पता है कि धैर्य की भी सीमा होती है, इतना सहन कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, One day she spoke to Jumman. तो एक दिन जो दादी माँ है, उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। अब तो ये बात पक्की हो गई है कि मैं अब तुम्हारे घर वालों को किसी को भी नहीं चाहिए, यानी कि मेरी ज़रूरत अब तुम लोगों को नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस और सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। कहते कि मुझे तुम क्या करो, एक महीने का भत्ता दे दिया करो, जिससे मैं क्या करूँ, अपना खाना अलग बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेट जुम्मन सेमलेसली। तो जुम्मन ने बड़े ही शर्मिंदा, बड़े शर्म की बात करी। क्या बोला उसने, उसने बोला कि मेरी बीवी को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है या घर किचन कैसे संभाला जाता है, धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी अंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो इस बात को सुन के उनकी जो आंटी थी, वो बड़ी
गुस्सा हो गई थी और उन्होंने सोचा कि ये जो केस है वो पंचायत में, पंचायत को अपना केस बताएंगी और पंचायत ही फिर उनके लिए न्याय करेगा। फॉर मैनी डेज, तो कुछ दिनों के लिए, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। जो ओल्ड लेडी थी वो बाकी गांव वालों से बात कर रही थी और उनका अपनी बात उनको बता रही थी और उनका सपोर्ट भी ले रही थी, उनका साथ लेने की कोशिश कर रही थी। सम सिंपथाइज्ड विद हर, कुछ तो कुछ लोगों ने उनका साथ दिया। अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ तो उन पर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने सलाह दी कि कैसे भी करके अपने नेफ्यू, भतीजे और अब उसकी बीबी के साथ आपको रहना होगा, बनानी पड़ेगी। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, तो लास्ट में वो किसके पास आई, अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का दोस्त था। एंड स्पोक टू हिम, और उससे कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो कहता है अलगू चौधरी चाची से, आंटी से, कि चाची आपको पता है जो जुम्मन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने ऐसा कहा, बट इट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मम का मतलब होता है कीप, मम का मतलब शांत रहना, चुप रहना। तो फिर दादी माँ कहती, आंटी कहती है कि बट इज इट राइट माई सन, तो बेटा क्या ये सही है टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और तुम बिल्कुल चुप्पी, अपने मुंह को बंद रखना और ये सही गलत में फर्क ना करना, क्या ये सही है, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने ऐसा कहा, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आना और सच बताना। शी सैड, उन्होंने कहा ऐसा अलगू चौधरी से। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, और अलगू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो आंटी जुम्मन की उनके जो शब्द थे कि तुम ये कैसे कर सकते हो, अपने मुंह में चुप्पी कैसे साध सकते हो, और क्यों तुम सही गलत को, सही गलत के लिए न्याय क्यों नहीं कर सकते हो, तो ये जो शब्द थे वो अलगू चौधरी के कानों में बार बार गूंज रहे थे। अब स्टोरी का पार्ट टू शुरू हो जाता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बानियान ट्री, तो पंचायत जो थी जैसे पहले की तरह होती थी शाम को, और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, तो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड, उसने कहा कि पंचायत की जो आवाज है, यानी कि जो पंचायत निर्णय लेगा इसका मतलब है कि वो भगवान का निर्णय होगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, तो मेरी आंट को हेड पंच नॉमिनेट करने दो, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, में जो उनका डिसीजन होगा वो सब मैं मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस, तो अलगू चौधरी जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने कहा फिर कि पंच जो होता है उनका ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या सोचना है, तो अलगू चौधरी क्या बनेगा, हेड पंच बनेगा, उन्होंने ऐसा कहा। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, तो जुम्मन को लगा कि अलगू चौधरी हेड पंच बन गया तो वो तो मेरा फ्रेंड है, मेरी साइड लेगा, तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, और उसको वो खुश हो जाता है, लेकिन अपनी खुशी वो दिखाता नहीं है बाहर। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू, तो अलगू ने कहा कि चाची आपको तो पता था कि मैं जुम्मन का फ्रेंड हूँ, या मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में आपको पता था। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, तो आंट ने क्या रिप्लाई किया कि हाँ मुझे पता था, मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप, तो फिर कहती है कि पर मुझे इतना भी पता है कि तुम अपने अंदर की जो, आपके अंदर की जो आत्मा है या आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको अपनी दोस्ती के लिए नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, क्योंकि भगवान जो है वो पंच के दिलों में रहता है, एंड हिज वॉइस इन द इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, यानी कि जो पंच निर्णय लेगा वही सब माना जाएगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और इस तरह से जो बूढ़ी औरत है उन्होंने अपने केस के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को दे दी और जुम्मन अब मुझे पैसे देने के लिए मना कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं जो हैं वो बहुत पुराने दोस्त हैं, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तो अलगू कहता है ये जुम्मन से कि जुम्मन तुम और तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम हो,
नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर मी, बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट है वो मेरे सामने बिल्कुल समान है। बट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो तुम्हें अपने डिफेंस या अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, तो जो जुम्मन था वो बोलना शुरू करता है कि 3 साल पहले my aunt transferred her property to me, मेरी आंट ने अपनी ये जो संपत्ति थी वो मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने इस टाइम पे ये वादा भी किया था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, तो मैंने जितना मुझसे हो सकता था वो सब मैंने कर दिया है। देर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन अब मेरी वाइफ और उनके बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं कि मैं अब रोक नहीं सकता उस झगड़े को। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट जो है मेरे को क्या मांग रही है, महीने का भत्ता मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, तो यही सब मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स, क्रॉस एग्जामाइंड का मतलब होता है सवाल जवाब करना, तो जुम्मन से और भी सवाल जवाब किए गए अलगू और दूसरे पंच ने। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने क्या किया, अनाउंस किया वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, तो हमने केस की स्टडी अच्छे से कर ली है। इन योर ओपिनियन जुम्मन मस्ट बी हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो जुम्मन कहता है, जो अलगू चौधरी है वो कहता है कि हमारी राय से, इन अवर ओपिनियन, यानी कि हमारी राय से या हमारा सुझाव यह है कि जो जुम्मन है उसको अपनी आंट को मासिक भत्ता जरूर देना होगा, वरना क्या करना पड़ेगा, उसने जो भी प्रॉपर्टी ली थी अपनी आंट से वो उनको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, मंथली अलाउंस देगा अपनी आंट को, दोनों में से वो एक चीज करेगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी। तो अब जुम्मन और अलगू जो थे वो कभी कभी एक साथ दिखाई देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच का जो दोस्ती का रिश्ता था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और यहाँ तक कि जो जुम्मन था वो अलगू का शत्रु बन गया था, एनिमी बन गया था, और एक दूसरे से वो बदला चाहते थे। अब इसका पार्ट 3 शुरू हो जाता है। डेज पास्ड एंड, तो दिन गुजरते गए। एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फिर क्या हुआ, दिन गुजरते गए, अलगू चौधरी के बुरे दिन शुरू हो गए, यानी कि वो उसकी परिस्थिति खराब होने लगी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड, तो उसके बैलों का एक जोड़ा मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू शाहू, और दूसरा जोड़ा उसने समझू शाहू को बेच दिया। कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो क्या था, उसी गांव का एक गाड़ी यानी कि कार्ट यानी कि ठेला जो होता है या जो बैलगाड़ी होता है वो चलाने वाला ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, और उनके बीच ये डिसीजन हुआ था कि जो शाहू है वो बैल की कीमत कब देगा, महीने के, इन द मंथ्स टाइम, एक महीने बाद देगा। ठीक है, इट्स सो हैपन डैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि जब वो शाहू ने बैल खरीदे तो वो बैलों का जोड़ा जो था एक ही महीने में मर गया था, यानी कि बैल मर गया था जो उसने खरीदा था। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, तो जब बुलॉक्स यानी कि जो बैल मर गए थे उनके कुछ महीने, उसके मन उनके मरने के कुछ महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, अलगू ने शाहू को याद दिलाया कि अभी भी तुमने मेरा पेमेंट नहीं किया है। शाहू गॉट वेरी अनॉयड, शाहू बड़ा परेशान हो गया, बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, बड़े गुस्से से बोला उसने, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द ब्रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कहता है कि मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा वो मरे हुए जानवरों के लिए जो तुमने मुझे बेचे थे। ही ब्रॉट एस अस नथिंग बट रून, कहता है कि तुमने मुझे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास क्या है, एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, इसका एक महीने के लिए इस्तेमाल करो फिर इसे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली, गुस्से से उसने कहा कि मरे हुए बैलों के लिए मैं कोई भी पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू दी पंचायत, तो अलगू ने सोचा कि पंचायत को के पास जाना चाहिए हमें ये केस लेकर। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन ऑफ होल्डिंग फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, तो कुछ महीनों बाद
दूसरी बार ये पंचायत लगी थी मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही जो पार्टी थी अलगू और जो शाहू था वो लोगों से मिलने लगे थे उनका सपोर्ट लेने के लिए, यानी कि उनको अपनी साइड करने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। तो पहले की तरह पंचायत कहाँ पर हुई थी, जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे। अल्गू स्टूड अप एंड सेड, तो अल्गू खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की जो आवाज होती है वह भगवान की आवाज के बराबर है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो कहता है कि साहू को पंच नॉमिनेट करने देते हैं हेड पंच, तो वो जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य होगा या वो मैं मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू को तो मौका मिल गया, उसने नाम लिया जुम्मन का। अल्गूस हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। बेचारा अल्गू का हार्ट, दिल जो था ऐसा लग रहा था वो डूब चुका है और उसका चेहरा जो था वो पीला हो गया था, पेल हो गया था। बट व्हेन कुड ही डू, व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तो जिस समय जुम्मन जो था वो हेड पंच बना, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। Could he seated in that high place have his revenge now? तो वो सोचता है कि अभी वो इस high place पे ऊंची जगह पे बैठा है, यानी कि ऐसे ऊंचे पद पर बैठा है, क्या अभी अपना बदला लेना ठीक होगा। He thought and thought, उसने सोचा और सोचा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. वो कहता है कि हमारे भी जो भी personal matter है, जो भी बात है, मैं कभी भी उसको न्याय या सच बोलने के रास्ते में नहीं आने दूंगा या ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। बोथ अल्गू एंड शाहू स्टेट देयर केसेस। तो दोनों अल्गू और शाहू ने अपनी अपनी बात कही। देवर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। तो दोनों से सवाल जवाब किए गए और केस की बड़ी गहरी तरीके से स्टडी करी गई, केस के बारे में जाना गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। तो फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अल्गू द प्राइज ऑफ द ब्लक। तो वो कहता है अल्गू नहीं, जुम्मन कहता है कि हमारी राय से जो शाहू है उसको अल्गू को उसके बैल के पैसे देने चाहिए। वेन शाहू बॉट द ब्लक, क्योंकि जब शाहू ने बैल खरीदे थे इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तो बैलों को कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। तो बुलक जो मरे थे वो किसी दुर्घटना की वजह से मरे थे, या किसी ने जानबूझकर उनको नहीं मारा था। बट अल्गू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अल्गू को इनके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अल्गू को उसके बैल की डेथ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अल्गू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। तो अल्गू बेचारा अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। स्टूड अप, वो खड़ा हुआ एंड सेड लाउडली, और जोर से कहा ओवर द ओ एंड ओवर अगेन, और बार बार उसने कहा विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। कहता है कि पंचायत की जीत हुई, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, जो भगवान जो है वो पंच की आवाज में निवास करता है। सून आफ्टर, तो जल्द ही जुम्मन केम टू अल्गू। जुम्मन अल्गू के पास आया, इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले से लगाया और कहा सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, तो जब पिछली पंचायत हुई थी तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्स टू बी अ पंच, तो आज मुझे एहसास हुआ कि पंच बनना कैसा होता है, पंच की जगह पर निर्णय लेना कैसा होता है। पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, किसी पंच का ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन deviate from the path of justice and truth of friendship or enmity and mighty. तो कहता है कि चलो अब हम क्या करते हैं, लोगों को हम लोगों के सामने ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि कोई भी न्याय के रास्ते से ना भटके। अल्गू embraced his friend and wept, अल्गू ने भी अपने दोस्त को क्या किया, गले लगाया और वो रोया। and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो जो आंसू निकले उससे क्या हुआ, उनके बीच जो भी गलतफहमी हो गई थी वो सारा धुल गया था आंसुओं से। तो ये स्टोरी थी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दो फ्रेंड्स होते हैं अल्गू और जुम्मन, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है उनकी। और फिर क्या होता है, एक बार अल्गू को पंच बनने का मौका मिलता है, एक बार जुम्मन को।
तो अलगू जब पंच बनता है, वो कोई डिसीजन लेता है, तो जुम्मन उससे गुस्सा हो जाता है। और फिर जब जुम्मन को मौका मिलता है, तो फिर जुम्मन को रियलाइज होता है कि क्या होता है एक पंच बनना। एक पंच बनना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उनकी फ्रेंडशिप वापस से हो जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।